अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीके पेट्स लवर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। आज जो एक नई वीडियो के साथ जो मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ, और मेरे लिए खुशी की बात भी है कि आज हम जो न्यू फिश जो हैं वो ले आए हैं, और जिसे जो है अब हम अपने एक्वेरियम के टैब में जो होंगे वो इनको आज़ाद करेंगे। अगर आप देख सकते हैं तो अभी जो है ये जो एग्जिस्टिंग जो मेरे पास जो फिशेस थी वो उनको देख के थोड़ा सा घबरा भी रही हैं। तो गाइस, इसमें सबसे ज़्यादा जो अभी फिलहाल जो है वो वीडियो इनको टैंक में छोड़ने से पहले का पर्पज़ ये था कि आप लोगों को गाइस बताना ये चाहूँगा कि आपने जब भी अपने एग्जिस्टिंग टैंक में आपने फिशेस जो है वो न्यू ऐड करनी हो तो उनको जो है आपने सबसे पहले उसका जो शॉपिंग बैग में जिसमें वो आप दुकानदार जो है वो आपको डालकर फ्राहम करता है, आपने सबसे पहले उसको आते साथ ही उसको अपने टैब में एक्वेरियम में ऐसे ही नहीं छोड़ना। तो सबसे पहले आपने उसका जो है वो जो शॉपर है उसको एज इट इज़ ही आपने एक्वेरियम के जो एक पानी में वैसे ही रख देना है, जिसका फ़ायदा ये होगा कि जो पानी जो शॉपर बैग में मौजूद है जिसमें जो न्यू फिशेस अवेलेबल हैं उसका जो टेम्परेचर है वो आपके एग्जिस्टिंग टैंक के एक्वेरियम के पानी के साथ मैच कर जाए। क्योंकि ये भी गाइस बहुत ज़रूरी होता है, जो अगर ये टेम्परेचर भी चेंज होने की वजह से भी ये मर सकती हैं। तो इसको जो है अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों ने 10 to 15 मिनट्स जो है वो इसको इसी तरीके से आपने एक्वेरियम के टैंक के पानी में ऐसे ही डिप करके रखना है, ताकि उसका जो पानी जो शॉपर के में अवेलेबल है जिसमें न्यू फिशेज अवेलेबल हैं वो उसका टेम्परेचर आपके एग्जिस्टिंग टैंक के साथ मैच कर जाए पानी के। तो गाइस लेट्स सी, अब हम जो है इनको शॉपर बैग से आउट करते हैं और एक्वेरियम टैब में इनको डालते हैं, तो लेट्स सी क्या रिजल्ट होता है। सो गाइस, हमने जो न्यू फिशेस हैं वो एक्वेरियम में जो है वो डाल दी हैं, और अगर आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर की है, और मज़ीद जो है इसमें हम लोगों ने एक जो फ़िश का जो मज़ीद एडिशन किया है वो स्वीपर फिश है, जो अगर आप देख सकें तो इस वो पौधे के पीछे जाके छुप गई है। ये बेसिकली जो फ़िश है ये एक्वेरियम के टैंक के जो पानी की सफाई के लिए भी यूज़ होती है, क्योंकि इसमें जितने भी अवेलेबल जो एल्जी होती है वो ये खा जाती है, जो दूसरी फिशेस के लिए जो है वो नुकसानदेह होती है। ये देखें गाइस, अगर आप देख सकें तो जो स्वीपर फिश है वो टैंक के साथ जाकर बैठ चुकी है। तो ये टैंक के साथ साथ जो होगी वो सारी की सारी जो है वो एल्जी भी ख़त्म कर जाएगी, और माशाल्लाह मेरी जो टैंक है वो अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसा ऐसा उसमें फिशेस जो हैं वो एडजस्ट कर रही हैं। तो जो न्यू सेटअप करने वाले हैं उनके लिए ऐसी वीडियोस जो होंगी वो बहुत ही काबिले इंफॉर्मेटिव होंगी, और जो उनको मज़ीद अपना शौक़ कंप्लीट करने के लिए, शौक़ पूरा करने के लिए भी एक अहम किरदार अदा करेंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो होगी वो पसंद आएगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा बीके पेट्स लवर्स, ताकि आपको आने वाली ऐसी तमाम इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो है वो आपको गाहे बगाहे वक्त पर रिसीव हो सके उसका नोटिफिकेशन, तो उसके लिए बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द ही आपकी खिदमत में मज़ीद दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो।